नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत टाइम्स ऑनलाइन में। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। दुबई के होटल में बॉलीवुड एक्टर श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। फॉरेंसिक जांच कर रहे दुबई के डॉक्टरों को श्रीदेवी की मौत की वजह में कुछ भी संदिग्ध बात नजर नहीं आई है। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दुबई के एक आधिकारिक सूत्र ने यह खबर दी है। बता दें कि अभी तक श्रीदेवी की मौत की वजह को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। खाड़ी में काम कर रहे स्वतंत्र पत्रकार वासुदेव राव के मुताबिक अगर किसी शख्स की मौत हॉस्पिटल में होती है तो मौत की वजह साफ रहती है और शव को जल्दी परिजनों को सौंप दिया जाता है। लेकिन अगर मौत हॉस्पिटल के बाहर हुई हो तो वो चाहे प्राकृतिक भी रही हो तो भी पुलिस मामले की जांच करती है और केस दर्ज किया जाता है। अगर शव को अंत्येष्टि के लिए दूसरे देश भेजा जाना हो तो प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है। माना जा रहा है कि श्रीदेवी के शव को मिलने में इसीलिए देरी हो रही। जम्मू कश्मीर में सोमवार को अपनी तरह की अनोखी घटना घटी। पुलवामा जिले में महिला के वेशभूषा में आए आतंकवादी ने पुलिस कांस्टेबल पर ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन वह खुद ही इसकी चपेट में आ गया और मारा गया। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है, उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने पुलवामा जिले में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया था। इस हमले में कांस्टेबल मेहराजुद्दीन घायल हो गए। मौका देखकर आतंकवादी भागने लगे और एक आतंकी मुश्ताक अहमद चोपन ग्रेनेड की चपेट में आ गया। महिला के कपड़े पहने आतंकवादी मुश्ताक अहमद की हमले में मौत। सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने श्रीदेवी को याद करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने श्रीदेवी को अपनी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस बताया। ईरानी ने लिखा कि बचपन से ही उन्हें श्रीदेवी सबसे ज्यादा पसंद थी। केंद्रीय मंत्री को उनकी चांदनी, चालबाज, सदमा, लम्हे आदि फिल्में बहुत अधिक पसंद थी। ईरानी ने लिखा कि श्रीदेवी ने अपने जीवन में काफी कठिनाइयां देखी और उनसे हार ना मानकर वह आगे निकली थी। ईरानी ने लिखा कि श्रीदेवी हंसाने और रुलाने दोनों की काबिलियत रखती थी। ईरानी ने बताया कि आखिरी बार वह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में श्रीदेवी से मिली थी। यह कार्यक्रम नवम्बर 2017 में हुआ। विकेट ऑफ स्पिनर रविंद्र चंद्रन अश्विन के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 11वें सीजन के लिए कप्तान बनाया गया है। किंग 11 पंजाब ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। टीम के ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि इस बार पंजाब ने अश्विन को लगभग 7.5 करोड़ रुपए की कीमत में अपने साथ जोड़ा है। पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक में 14 फरवरी को 11,300 करोड़ रुपए के महा घोटाले की खबर ने देश को हिलाकर रख दिया। घोटाले के सामने आने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 84 साल के CA यज्दी हिर्जी मालेगम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। 2016 तक RBI बोर्ड के सदस्य रहे मालेगम ने सबसे लंबे समय तक केंद्रीय बैंक को अपनी सेवाएं दी है। मालेगम की अध्यक्षता में बनी कमेटी का काम संभावित फ्रॉड के खतरों को पहचानने के अलावा बैंकों के NPA को देखना होगा। आगे की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।